आपके गर्भपात का समाचार सुनकर बहुत पीड़ा पहुंची है मुझे। मैंने सारे प्रश्न ही मिटा दिए मंगला दीदी। अब राम कृष्ण को एक साथ एक ही में देखेंगे, बस एक ही आंख होगी शकुन वाली। अंजलि रानी, आपने तो उस दिन सहज कह दिया था कि महादेवी का ध्यान अब युवराज सिद्धार्थ पर नहीं होगा। बस तब से कह रही थी कि मंगला दीदी ने मेरी आंखें खोल दी, वैद्य सुश्रेय ने औषधि दी थी नहीं ली, और उसी समय उन्होंने संकल्प किया कि जब तक युवराज सिद्धार्थ अपनी शिक्षा पूर्ण नहीं कर लेते, महादेवी की अपनी कोई संतान नहीं होगी। इतना बड़ा त्याग, सिद्धार्थ बैरागी ना बने, उस पर दुख की छाया ना पड़े, इसके लिए मैंने क्या कुछ उपाय नहीं किए। यहां तक कि मैंने यह भी नहीं सोचा कि शाक्य कुल का इतिहास मेरे विषय में क्या कहेगा, परंतु मेरे सभी प्रयत्न पर भारी है तुम्हारा ये त्याग देवी। देव, मैंने तो पुत्र प्रेम में केवल नगर खाली करवाया देवी, परंतु तुमने युवराज सिद्धार्थ के लिए अपनी कोख खाली कर दी। ये प्रमाणित कर दिया कि संबंध केवल रक्त से नहीं, प्रेम से भी बनते हैं। तुम्हारे जैसे मां का दृष्टांत कदाचित ही आने वाले इतिहास में कोई होगा। तुम्हारे इस भीष्म प्रतिज्ञा पर मैं नतमस्तक हूं देवी। अब युवराज सिद्धार्थ के सम्राट बनने में मुझे कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं। आशिका जी। महाराज, राजा अमितोदंड को कहो कि मैं अब भी सभी गुरुजनों को मिलना चाहता हूं। जी। गुरुवर या कौंडिन्य, कैसे चल रहा है शाक्य कुमारों का प्रशिक्षण? उत्तम, अति उत्तम महाराज। कुमार सिद्धार्थ को वेदों की प्रत्येक ऋचा स्पष्ट अर्थ सहित कंठस्थ है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य
दृश्यते। ओम शांति शांति शांति। अब प्रतिम, वेदों से संबंधित कुमार सिद्धार्थ के जटिल प्रश्न हमें सावधान रखते हैं महाराज। सत्य प्रत्यक्ष भी होता है, परोक्ष भी, ये विद्या हम नहीं समझे। दो दो सत्य। क्या तुम इसका उत्तर दे सकते हो सिद्धार्थ? ज्येष्ठा, प्रत्यक्ष सत्य वो होता है जिसका प्रमाण तुम दे सकते हो, अर्थात वर्षा हुई और नदी का जल स्तर बढ़ा। पर परोक्ष सत्य, अर्थात वर्षा नहीं हुई फिर भी नदी का जल स्तर बढ़ा। ऐसे कैसे? क्योंकि पहाड़ों में वर्षा हुई और पानी नदी में बह गया और नदी का जल स्तर बढ़ गया। जिस सत्य का हम प्रमाण नहीं दे सकते वो परोक्ष सत्य है। महाराज, अश्व सवारी में भी अति निपुण है युवराज। अश्व से मित्रता करना, उसके प्रत्येक संकेत को परखना, उसे थकाए बिना उस पर सवारी करना, चातुर्य अद्भुत, संगीत ज्ञान अकल्पनीय, नृत्य की भाव भंगिमाओं की भी जानकारी है और शब्दों से ज्यादा आंखों से बात करते हैं युवराज। और शस्त्र अभ्यास, आयुध विद्या में कितने पारंगत हैं युवराज? क्या हुआ अनुज? भाई महाराज, युवराज को शस्त्र अच्छे नहीं लगते। शस्त्र अच्छे नहीं लगते? एक क्षत्रिय को शस्त्र अच्छे नहीं लगते? इसका अर्थ ये नहीं है महाराज कि युवराज को शस्त्र चलाना नहीं आता, परंतु हाँ, शस्त्रों का उपयोग करना उन्हें अच्छा नहीं लगता। हाँ महाराज, केवल यही एक दोष है युवराज में। दोष युवराज में नहीं, दोष आप में है गुरुवर्य। मैंने आपको आदेश दिया था कि युवराज को ऐसा योद्धा बनाओ इस संपूर्ण भारत वर्ष के योद्धा उसके समक्ष नतमस्तक हो। अवश्य ऐसा ही होगा महाराज। मिट्टी में छुपे लोहे से तलवार बनने में समय तो लगता ही है, पर हमें धैर्य रखना होगा। आग कैसे लगी? गुरुजी, हम कुटिया बना रहे थे, अचानक देवदत्त भैया ने आके उसमें आग लगा दी। हाँ गुरुजी, उस वक्त चलना कुटिया के भीतर था। देवदत्त, देवदत्त, क्या तुमने ये किया? हाँ। क्यों? आपको पाप से बचाने के लिए। कुटिया बनाते समय अछूत चन्ना ने मदद की थी, इस कारण। केवल इस कारण तुमने कुटिया जला दी? हाँ गुरुजी, अछूत के हाथों बनी कुटिया में आपको कैसे रहने देता? देवदत्त, तुम्हारी गुरु भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। आज से तुम्हें एक अधिकार देता हूं, मेरा मल मूत्र तुम उठाओगे। आचार्य, ये क्या कह रहे हैं आप? देवदत्त, क्या मैंने यही शिक्षा दी है तुम्हें? चन्ना सारथी पुत्र है, अछूत है। वारण कर्म से होता है, जन्म से नहीं देवदत्त। आचार्य कौंडिन्य, आप ब्राह्मणों के विरुद्ध बात कर रहे हैं। मैं नीति के अनुसार बोल रहा हूं आचार्य। न ब्राह्मण श्रेष्ठ है न क्षत्रिय, न वैश्य न शूद्र, सभी एक ही रचना के विभिन्न भाग हैं। ब्रह्मा के शीश से ब्राह्मण पैदा हुए तो कंधे से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैरों से शूद्र। तो क्या पैर और शीश की तुलना की जा सकती है? क्या पैरों के बिना शरीर चल सकता है? सोचो, अगर यह अछूत मल मूत्र उठाना बंद कर दे तो क्या राज्य में मलिनता ना होगी? सारे ब्राह्मण सारे क्षत्रिय रोगी हो जाएंगे। देवदत्त, अपने आप को क्षत्रिय कहने से पहले सोचो कि तुम में कितना मैल है।
और आचार्य अश्वपाल क्षमा कीजिए, विद्यार्थी के समक्ष गुरुजनों का विवाद पक्षपात का संकेत है, उनकी श्रद्धा घटती है। सिद्धार्थ कहाँ है? गुरुजी, उस तरफ जाते हुए देखा था मैंने उसे। देवदत्त, ये कुटिया तुमने चलाई है, अब तुम ही इसे बनाओगे। पक्षपात तो अब होगा आचार्य कौंडिन्य। देवदत्त को सिद्धार्थ से कुशल ना बनाया तो मेरा नाम आचार्य अश्वपाल नहीं। सिद्धार्थ, तुम यहां क्यों चले आए? आप ही की तो सीख है आचार्य, क्रोध अग्नि स्वरूपा है और ध्यान जल स्वरूपा। क्रोध नष्ट करता है और ध्यान श्रेष्ठता बढ़ाता है। यदि मैं वहां होता तो ज्येष्ठा पर क्रोध कर बैठता, इसलिए यहाँ चला आया। सच कहा तुमने, आज मैं भी तुम्हारे साथ ध्यान में बैठना चाहता हूं। सारे शास्त्र कंठस्थ हुए और जप तप ज्ञान का चलन हुआ। छोटे से बड़े, बड़े से छोटे, बिंदु सिंधु का मिलन हुआ। पढ़ने लगी सृष्टि की संपदा, मीन विहक सब मिलने लगे। चारों दिशाएं खिले खिले से, जीव से जीवन बढ़ने लगे, जीव से जीवन बढ़ने लगे। अश्व की मति मनुष्य की, युद्ध नीति तलवार प्रहार। वार शब्द का ज्ञान हो गया, बन गए सुख दुख जीत हार। हवन ज्ञान का पूर्ण हुआ, विकसित हुआ ज्ञान भंडार। देखते देखते खिलने लगा, बीज से उपवन का श्रृंगार, बीज से उपवन का श्रृंगार। एक जंगल है, इन्हें बोगी तो सारा देवता पुष्प से खिल जाएगा। देखो सितार, तुम्हारे दिए हुए बीजों से पूरा वन खिल गया है। मैं आ रही हूँ।
कपिलवस्तु के कुमारों की परीक्षा देखने। क्या सोच रही? तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं? हाँ देव, इस समय मेरा हृदय गगन ढोल से भी अधिक आंदोलित हो रहा है। जिज्ञासा तो सभी को है महादेवी। जिज्ञासा नहीं दे, भय। भय? क्यों? क्योंकि आज सिद्धार्थ के साथ साथ मेरी भी परीक्षा है। केवल तुम्हारी नहीं देवी, मेरी, गुरुजनों की, संपूर्ण शाक्य कुल की परीक्षा है। आज कपिलवस्तु के भविष्य और असित मुनि के वचन दोनों को परखा जाएगा। यदि आज सिद्धार्थ ने अपनी क्षत्रियता का प्रमाण नहीं दिया तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी देव। तुम चिंता मत करो महादेवी, जो हवन निष्ठा से किया जाता है उसका फल भी अवश्य मिलता है। तुम केवल इतना सोचो कि हमने एक लोहे के टुकड़े को गुरुकुल भेजा था, अब तलवार देखने जा रही हो। चले। यही अवसर है राजा देवदत्त, तेरी तलवार पूरी तरह से सिद्धार्थ पर भारी है, समाप्त कर दो उसे। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, ना रहेगा सिद्धार्थ ना होगा उत्तराधिकारी, राजगद्दी पर अपना अधिकार सिद्ध कर दो। गुरु अश्वपाल ने कहा है प्रथम परीक्षा तुम्हारी ही होगी सिद्धार्थ समक्ष। तो ये तलवार सिद्धार्थ के रक्त से भीग कर ही शांत होगी। आज दो दो की जोड़ियों में प्रतियोगिता होगी, जो श्रेष्ठ होगा वही दूसरी प्रतियोगी के साथ युद्ध करेगा। प्रथम चरण की प्रतियोगिता आरंभ की जाए।
साम दाम दंड भेद मार्ग जो भी हो, परंतु सर्वश्रेष्ठ मेरा देवदत्त ही होना चाहिए, नहीं तो अश्व के पैर में तुम्हारा मस्तक होगा अश्वपाल। आप निश्चिंत रहे मंजली रानी, देवदत्त ही सर्वश्रेष्ठ होगा। उनकी विजय से ही तो मैं भी कौंडिन्य के सामने सर्वश्रेष्ठ बन पाऊंगा। पक्षपात होगा, युद्ध में केवल योद्धाओं की योग्यता का परिचय है, इसलिए प्रतियोगियों के मुख नहीं दिखेंगे, दिखेगी केवल उनकी शक्ति, अभ्यास और योग्यता, उनकी चपलता और शस्त्र चलाने की प्रतिभा। अपने शत्रु को समाप्त करने की तैयारी कर लो देवदत्त। राजगद्दी और तुम्हारे बीच केवल एक तलवार जितनी दूरी है। और ज्ञात रहे, युवराज जो मुखौटा पहनेंगे उसका रंग लाल है। सिद्धार्थ, ये मुखौटा तुम्हारे लिए। कुमार देवदत्त का हर प्रहार युवराज पर भारी है आचार्य कौंडिन्य। ये छल है। युद्ध में सब क्षमा है प्रजापति,
किंतु यह केवल प्रतियोगिता है। पूर्ति अद्भुत है। क्या कहना है आचार्य कौंडिन्य देवदत्त के बारे में? निसंदेह अद्भुत प्रदर्शन था। राजगद्दी और तुम्हारे बीच केवल एक तलवार जितनी दूरी है। युवराज जो मुखौटा पहनेंगे उसका रंग लाल है। अरे क्या करो देवदत्त, क्या करो? अपने क्रोध पर अंकुश रखो, जाओ यहां से। राज की हमारी प्रथम प्रतियोगिता के विजेता है युवराज सिद्धार्थ। युवराज दिखाई नहीं दे रहे। और अब आज की दूसरी प्रतियोगिता आरंभ होती है। क्यों नहीं कर रहा? शत्रु को थकाना यह भी युद्ध की एक नीति है राजन। प्रतिभा करो, यह परीक्षा है, प्रतिभा दिखनी चाहिए।
कदाचित मानाम भी जीत गए देवदत्त। अब कोई अंतर नहीं पड़ता कि किसकी जीत हुई और किसकी हार। सिद्धार्थ की पराजय हुई, यही हमारी सबसे बड़ी विजय है। पता नहीं महाराज को जब ये मालूम होगा तो क्या होगा। सिद्धार्थ और आज के एक और विजेता है युवराज सिद्धार्थ गौतम। इसका मतलब वो लाल मुखौटे में सिद्धार्थ नहीं था। कपट हुआ हमारे साथ। आपने तो कहा था कि लाल मुखौटे में सिद्धार्थ है, तो वो बदल कैसे गया? इसका उत्तर मैं देता हूं आचार्य अश्वपाल। वो मुखौटा लेकर जब मैं युवराज को देने गया, सिद्धार्थ ये मुखौटा तुम्हारे लिए। गुरुदेव, मेरे मुखौटे का बांध तो टूट गया। कोई बात नहीं, तुम सिद्धार्थ का मुखौटा ले लो, जल्दी करो, प्रतियोगिता का समय हो गया है। जी गुरुदेव। गुरु के लिए प्रत्येक शिष्य समान होना चाहिए आचार्य अश्वपाल। कुमार देवदत्त के लिए आपका पक्षपात अच्छा नहीं। उस मुखौटे ने आपका मुखौटा उतार दिया है। और कुमार देवदत्त, अपने क्रोध पर अंकुश रखो, वरना किसी दिन इस तरह फंस जाओगे कि कोई गुरु तुम्हें बचा नहीं पाएगा। जिस तरह ग्रह से ब्रह्मांड का, हस्त रेखा से भविष्य का ज्ञान होता है, उसी तरह शरीर के इन बिंदुओं से शरीर की भीतरी परिस्थिति का संबंध होता है। जैसे नाड़ी परीक्षा से चिकित्सक को हृदय की गति का ज्ञान होता है। यह शरीर 10 भागों में विभाजित है, यह मध्य रेखा और दोनों ओर 5-5 विभाग। आज भी बड़े बड़े योगी चिकित्सक इस विषय पर विश्लेषण कर रहे हैं कि शरीर की पीड़ा का उत्तर स्वयं शरीर के पास ही है। हर एक अंग का प्रतिनिधित्व हाथ की हथेलियां और पैर के पंजे करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे मस्तिष्क की पीड़ा को दूर करने के लिए आंखों के कोने की दोनों ओर 2 उंगली दूर दबाव देने से पीड़ा में राहत मिलती है।
महाराज, युवराज के सर्प ने काट लिया। राज, युवराज को भीतर ले चलो और राज वैद्य को तुरंत बुलाओ। वैद्यराज, युवराज को सर्प ने काटा है, मैंने देखा। परंतु इनके शरीर पर सर्प दंश का तो कोई निशान नहीं है। तो फिर सर्प देखकर डर गए होंगे युवराज, तभी तो बेसुध हो गए। मेरे कहने का अर्थ है, बड़े कोमल प्रकृति के हैं हमारे युवराज, है ना? बेसुध होने का कोई कारण नहीं है, कदाचित थकावट होगी। अब कैसा लग रहा है युवराज? क्या हुआ था? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो अचानक बेसुध कैसे हो गए? चिंता का कोई कारण नहीं है पिताजी। सिद्धार्थ पुत्र। माँ, इस समय मैं आपको कुछ भी नहीं बता पाऊंगा, मुझे तुरंत आचार्य कौंडिन्य के पास जाना होगा। चलो चन्ना। सिद्धार्थ ये तो बताओ हुआ क्या? निश्चिंत रहे पिताजी, लौट कर बताऊंगा सब कुछ। गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। मैंने मनुष्य शरीर के बारे में एक बात खोज ली कि शरीर के कुछ बिंदु दबाने से मनुष्य बेसुध हो सकता है। क्या? जी गुरुदेव, देखिए। इसे क्या हुआ? चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है गुरुदेव, कुछ पल पश्चात इसे सुध आ जाएगी। कैसे कह सकते हो? प्रथम प्रयोग मैंने स्वयं पर किया गुरुदेव, कल रात में बेसुध था। अब हमें युद्ध में शत्रुओं को मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, शरीर के बिंदु दबाने से वो बेसुध हो जाएंगे, और अनिवार्य हुआ तो हम उन्हें बंदी बनाकर युद्ध जीत सकते हैं। तुम सच में करुणा मूर्ति हो सिद्धार्थ, जो युद्ध में भी अहिंसा को ढूंढ रहे। जब आप बांसुरी वादन में लीन थी। मां, मैंने बहुत बार देखा है, जब भी आप आनंदित होती हैं या निराश होती हैं या जब स्वयं को अकेला पाती हैं, तो आप इस पेड़ के नीचे आके बैठ जाती हैं। आप क्यों बैठती हैं मां? इस पेड़ में ऐसा क्या है? ये माया है मेरी बड़ी बहन, इस पेड़ का नाम मैंने माया रखा है। इस पेड़ के साथ मेरी बहन जुड़ी है, ये परिवार का एक सदस्य है, बड़ों की तरह हमें छाया प्रदान करता है, ये जीवन भी देता है, पक्षियों के सुर में संगीत सुनाता है, मानो हमारा ख्याल रख रहा हो। जग सारा सत्य तथा पुरुषार्थ तथा।